हे गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का डेली डोज के इस लाइव सेशन में, जिसमें हम रोज रात 8 बजे डिस्कस करते हैं चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। और ऑलरेडी इसके हम 18 सेशंस कंप्लीट कर चुके हैं। उन 18 सेशंस के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उन सभी लिंक्स पर जाकर आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो बायोलॉजी का 6th टॉपिक रहेगा, जिसका नाम है इकोसिस्टम। और ये जो टॉपिक है इसको हम एवरग्रीन टॉपिक मान सकते हैं नीट के एग्जामिनेशन को लेकर, क्योंकि इससे जो है वो हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसा कोई भी नीट का एग्जामिनेशन नहीं गया है जिसके अंदर इकोसिस्टम से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस ना आया हो। 2 से 3 क्वेश्चंस इसके हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इसी इकोसिस्टम को लेकर प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहता है और हर रोज रात 8 बजे इस सेशन को हम अटेम्प्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। और सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हिंदी में क्वेश्चन पेपर चाहिए तो नीचे मैंने मेरे सेकंड चैनल का लिंक दिया हुआ है। उस चैनल पर जाकर आप हिंदी में भी इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। स्पेशली वो चैनल जो है वो मैंने हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए शुरू किया है, क्योंकि स्टूडेंट्स की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट थी। और अगर सभी स्टूडेंट्स आ गए हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में थम्सअप करेंगे ताकि हम सेशन को जो है वो स्टार्ट कर सकें। सभी स्टूडेंट थम्सअप करेंगे, ठीक है। और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दो ताकि सभी स्टूडेंट्स को पता लग सके कि सेशन लाइव हो चुका है। शुरू करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहले देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन इकोसिस्टम से रिलेटेड। अपना पहला क्वेश्चन है द फूड चेन इन विच माइक्रोब्स ब्रेक डाउन एनर्जी रिच कंपाउंड्स सैनिटाइज बाय प्रोड्यूस इज कॉल्ड। नंबर 1 इकोसिस्टम, नंबर 2 प्लास्टिक फूड चेन, नंबर 3 डिटेरिटस लेवल चेन एंड नंबर डी प्रीडेटर फूड चेन। इनमें से राइट आंसर क्या होगा वो आप बताएंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि COVID-19 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनका मैं एक अलग सेशन करने वाला हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आप सभी को करवाऊँ या फिर ना करवाऊँ, या फिर कुछ दिन और रुक के करवाऊँ ताकि जो और COVID-19 से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी बन जाए, फिर अपने इसका पूरा कंप्लीट सेशन कर लेंगे। 40 से 50 क्वेश्चंस इसके बनेंगे। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सेशन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन। 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर वाज गिवन बाय, 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बाय वाज गिवन बाय, नंबर 1 लाइनमैन, नंबर 2 टेंसले, नंबर 3 स्टैनले एंड नंबर 3 डार्विन। देन इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर A, लाइनमैन। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, फूड चेन स्टार्ट्स विद ए ऑटोट्रॉप्स, बी हर्बीवोर्स, सी कार्निवोर्स एंड डी डिकॉम्पोसर्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, फ्लोरा एंड फाउना इन लेक और पाउंड्स इज लैंटिक बायोटा, लोटिक बायोटा, एबियोटिक बायोटा या फिर फील्ड लेयर। देन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर A, लैंटिक बायोटा। लैंटिक बायोटा जो बिल्कुल है राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट अपना है, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन ऑफ मॉलिक्यूल नाइट्रोजन टू द लेवल ऑफ अमोनिया इन द लेग्यूमिनस रूट नोडल इज, ए नाइट्रोजनेस, बी नाइट्रेट रेडुकेटस, सी नाइट्रेट रेडुकेट्स एंड बी एंड डी एमोनेनेस, एमोनायसिस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर D। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है, द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन कार्बन साइकिल इज, ए फोटोसिंथेसिस, बी सेमोसिंथेसिस, केमोसिंथेसिस, सी डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड डी एवोल्यूशन ऑफ O2। चलिए राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है तो आपको जो नीचे नंबर दिख रहा है उस नंबर पे मैसेज करना है अपना नाम और अपना जेंडर लिख के।
जेंडर का क्या रोल है, क्योंकि मेरे पास सेपरेट ग्रुप है गर्ल्स एंड बॉयज के लिए, तो उसी हिसाब से। चलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, ट्रॉपिक लेवल्स आर फॉर्म्ड बाय, ए प्लांट्स, बी एनिमल्स, सी ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन फूड चेन, डी कार्निवोर्स। एंड ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन फूड चेन। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, डेजर्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्रीन लैंड बाय प्लांटिंग प्लांटिंग डेजर्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्रीन लैंड बाय प्लांटिंग। एंड ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, पसामोफाइटस। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स इज ईटिंग कर्ड योग हर्ट फॉर दिस फूड इनटेक इन ए फूड चेन, मिस्टर एक्स शुड बी कंसिडर्ड एज ऑक्यूपिंग ए फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल, बी सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, सी थर्ड ट्रॉपिक लेवल एंड डी फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। देन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, थर्ड ट्रॉपिक लेवल। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, गिवन बिलो इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ इकोलॉजी पिरामिड, दिस टाइप रिप्रेजेंट्स, एक आपको इकोलॉजी का पिरामिड दिया हुआ है और ये टाइप किसको रिप्रेजेंट करना है करता है ये आपको बताना है। ए पिरामिड ऑफ नंबर इन ए ग्रासलैंड, पिरामिड ऑफ बायोमास इन ए फैलो लैंड, सी पिरामिड ऑफ बायोमास इन ए लेक एंड डी एनर्जी पिरामिड इन ए स्प्रिंग। देन किसको रिप्रेजेंट करना है ये आपको बताना है। फ्रेंड्स ये आज का हमारा जो सेशन है वो शॉर्ट रहने वाला है, क्योंकि 21 क्वेश्चंस ही है मेरे पास इसके, ठीक है। बाकी 2017, 18 और 19 जो के जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको एक कंप्लीट क्वेश्चन पेपर में करवाऊंगा मिक्स टाइप में। देन ये जो पिरामिड है वो रिप्रेजेंट करता है पिरामिड ऑफ मायोमास इन ले इन ए लेक, सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ लेगे मोग्लोबिन ड्यूरिंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स इज टू, ए कन्वर्टेड ऑटोस्पोरिक एन टू टू एन एच थ्री, बी कन्वर्ट एमोनिया टू नाइट्रेट, सी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फॉर एक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन्स एंड डी प्रोटेक्ट नाइट्रोजन्स फॉर फ्रॉम ऑक्सीजन। चलिए इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रोटेक्ट नाइट्रोजन फ्रॉम ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, एन इकोसिस्टम सच एज एन एक्वेरियम इज सेल्फ सस्टेनिंग इफ इट इन्वॉल्व्स द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म, ए फ्लो ऑफ एनर्जी एंड द प्रेजेंस ऑफ, ए इक्वल नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बी मोर एनिमल्स देन प्लांट्स, सी मटेरियल साइकिल्स एंड डी प्योनर ऑर्गेनिज्म। देन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मटेरियल साइकल्स, मटेरियल साइकल्स। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, द ग्राफ बिलो शोज द चेंजेस इन टू पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोरस इन ए ग्रेसी फील्ड, ए पॉसिबल रीजन फॉर दिस चेंजेस इज दैट, ए ऑल ऑफ द प्लांट्स पॉपुलेशन इज इन इन दिस हैबिटेट डिक्रीज। सो जूम कर देता हूँ, ठीक है। और बी आपका है, पॉपुलेशन बी कंपीटेड मोर सक्सेसफुली फॉर फूड देन पॉपुलेशन ए डिड, सी पॉपुलेशन ए प्रोड्यूस्ड मोर ऑफस्प्रिंग देन पॉपुलेशन बी डिड, डी पॉपुलेशन ए कंज्यूम द मेंबर ऑफ पॉपुलेशन बी। देन इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 13 एंड राइट आंसर इज बी, पॉपुलेशन बी कंपीटेड मोर सक्सेसफुली फॉर फूड देन पॉपुलेशन ए डिड। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, ए स्कॉर्पियन स्टॉक्स किल्स एंड देन ईट्स ए स्पाइडर बेस्ड ऑन इट्स बिहेवियर, विच इकोलॉजिकल टर्म्स डिस्क्राइब द स्कॉर्पियन। चलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, इन द वास्ट मरीन इकोसिस्टम सर्टेन सी डेवलप रेड कलरेशन, दिस रेड कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, ट्रिचोडेस्मियम इरिथ्रियम। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, द एक्सफोर्बिटिक प्लांट्स कंजर्व वाटर बाय स्टोरिंग इट इन। ए बी सी एंड डी में से कौन सा राइट आंसर होगा ये आपको बताना है। फ्रेंड्स पीडीएफ के लिए जैसे कि आपको पता ही है नीचे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस टेलीग्राम पे इस सेशन के ख़त्म होने के 15 से 20 मिनट के बाद मैं इसकी पूरी की पूरी जो पीडीएफ है वो डाल दूंगा, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि और भी एक्स्ट्रा जो पीडीएफ वगैरह है क्वेश्चन से रिलेटेड वो आप सभी को मिल सके। और जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि ये जो हमारा सेशन रहता है वो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को रहता है, और बायोलॉजी का आज हम 6th चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है इकोसिस्टम। ऑलरेडी हम इसके 18 सेशंस जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और ये जो हमारा सेशन है वो डेली 8 PM पे लाइव रहता है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो होगा 16 का वो आपका डी होगा, ठीक है, डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट अपना है, मोस्ट ऑफ द डेजर्ट प्लांट्स ब्लूम ड्यूरिंग नाइट टाइम बिकॉज, मोस्ट ऑफ द डेजर्ट प्लांट्स ब्लूम ड्यूरिंग नाइट टाइम बिकॉज, देन आंसर क्या होगा ये आप जल्दी से बता दीजिए। देन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द डेजर्ट इंसेक्ट्स आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट टाइम। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, व्हेल इज बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, कार्निवोर्स सेकेंडरी कंज्यूमर। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। एनर्जी फ्लो, डिकम्पोजिशन, प्रोडक्टिविटी या फिर स्ट्रेटिफिकेशन। डिकम्पोजिशन। एंड 19th क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन इज डी करेक्ट, स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, सेकेंड लास्ट, हाउ मच पोर्शन ऑफ द फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन PAR इज कैप्चर्ड बाय द प्लांट्स, 5 to 10%, 7 to 10%, 8 to 10% या फिर 2 to 10%। डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, 2 to 10%। चलिए आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इकोसिस्टम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मीन NPP टोन्स हे ईयर। ए ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, बी टेम्परेट कॉन्फीरियस फॉरेस्ट, सी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड डी टेम्परेट डिसाइडस फॉरेस्ट। लेस देन ग्रेटर देन आपको अरेंज करना है इनको क्या होगा। चलिए आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, 2017 के मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा डी, डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, बी लेस देन डी, डी लेस देन ए लेस देन सी, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आज का हमारा पूरा का पूरा सेशन था जिसमें हम इकोसिस्टम से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस वो हमने डिस्कस किए हैं 2017 तक,
2017 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम सब डिस्कस कर चुके हैं। बाकी आपके बजे 2018 और 2019, इसका मैं अलग से पूरा का पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन पेपर मैं आपको करवाऊंगा इन सभी चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के खत्म होने के बाद। और आप सभी को पता है कि नीट की एग्जाम डेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड होने वाला है। आपका नीट का जो एग्जामिनेशन है वो जुलाई टू अगस्त तक जाएगा। आज की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक यही कहता है कि आपका नीट का एग्जामिनेशन जुलाई टू अगस्त तक जाने वाला है, तो आपके लिए काफ़ी समय है और इस समय को बेकार की चीज़ों में बर्बाद ना करते हुए अपनी स्टडी में यूटिलाइज कीजिए, ताकि आप नीट 2020 में एक अच्छा और परफेक्ट स्कोर कर पाएँ, ताकि आपको एक अच्छा जो आपका पसंदीदा मेडिकल कॉलेज हो वो मिल सके और आप MBBS की तैयारी उसमें बेहतर ढंग से कर पाएँ। बल्कि ऐसा ना हो कि आपके नंबर कम रह जाए और आपने जो कॉलेज एक्सपेक्ट नहीं किया था वही कॉलेज मिले और आपको आने वाले MBBS के जो 5.5 साल है वो घुट घुट कर बिताने पड़े। तो ऐसा हमें नहीं करना है, एक अच्छी और एक परफेक्ट स्टडी, एक परफेक्ट स्टडी प्लान के साथ करनी है, ताकि हमें एक अच्छा स्कोर कर पाएँ और हम एक अच्छा कॉलेज जो है वो अचीव कर पाएँ। ठीक है, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसी प्रकार के सेशंस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट सेशन आप सभी को मिलते रहे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, करते हैं वीडियो को खत्म, मिलते हैं इसी टाइम कल फिर। तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।